नमस्कार दोस्तों, पीबीआर स्टडी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 2.5 आज हम देखेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 2.4 तक हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पीबीआर स्टडी की जरूर देखिए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इस 2.5 करने से पहले इसमें चार सर्वसमिकाओं का यूज होगा। अब सर्वसमिका क्या है, तो सर्वसमिका हम लिख रहे हैं, आप देखिए। सर्वसमिका क्या होता है, जैसे हम पहली सर्वसमिका लिखें तो मान लीजिए ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इनटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का दो बार गुणा करना, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी को ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से गुणा करें तो ए का गुणा पहले ए और बी में, ठीक है, तो क्या आएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, फिर इस बी का गुणा ए और बी में, ठीक है, तो क्या आएगा बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया, अगर हम इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक सर्वसमिका आ गई, वो कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, इसे सर्वसमिका क्यों कहते हैं, सर्वसमिका क्यों है, ये सर्वसमिका क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि अगर हम ए और बी का कोई भी मान लेंगे तो दोनों पक्षों का मान क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। ए और बी का कोई भी मान ले लीजिए और दोनों पक्षों में ए और बी का मान रख दीजिए तो दोनों पक्ष का मान हमेशा बराबर आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए ए बराबर ले लेते हैं एक, बी बराबर दो, आप कोई भी मान ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वन प्लस टू रखेंगे, क्यूब करेंगे, कितना आएगा दो एक तीन, और तीन का स्क्वायर तीन तिरका नौ आ जाएगा। और इधर भी हम करके देख लेते हैं, ए की जगह पे एक रखना है, बी की जगह पे दो रखना है, दो का स्क्वायर धन दो गुणे ए की जगह पे एक, बी की जगह पे दो, तो एक का स्क्वायर एक धन दो दूना चार धन दो दूना दो एक कम दो और फिर दो दूना चार, चार चार आठ एक नौ, तो इधर भी नौ आ गया इधर भी, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो किसी भी सर्वसमिका वो तभी होगी जब ए और बी कि किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो ये पहली सर्वसमिका है, इसी प्रकार तीन सर्वसमिकाएं और हैं, तो आइए उनको एक साथ लिख करके आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी सर्वसमिका हैं, और आपको इनको याद भी करना पड़ेगा, अगर नहीं याद करेंगे तो एक भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं, ये हैं चारों सर्वसमिकाएं, ठीक है। तो पहली सर्वसमिका हम आपको प्रूव करके दिखा दिए हैं कैसे आता है, बाकी सारी भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके आ जाएंगी। पहली है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बस आपको यही याद रखना है। अब दूसरी वाली अपने आप याद हो जाएगी, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है, सारे प्लस हैं, यहाँ पर माइनस है तो केवल ये वाला माइनस होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस यही इतना ध्यान रखना है, माइनस वाले माइनस टू ए बी होगा और प्लस वाले में सभी प्लस होंगे। अब ये तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ब्रिकट में ए धन बी एक ब्रिकट में ए ऋण बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर एक्स प्लस ए है एक ब्रिकट में, एक्स प्लस बी है दूसरे ब्रिकट में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वही मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड जैसे हमने आपको बताया है, तो अगर इसको नहीं भी याद रखेंगे तो आप तो भी आपका जो हमने मेथड बताया उससे करेंगे तो भी आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं, पहले पहली एक्सरसाइज में आपका इसी टाइप पे क्वेश्चन है। कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसमिका यानी हमने आपको ऊपर चार सर्वसमिका बताई है, इनमें से कौन सी यहाँ पर लगेगी उसका प्रयोग करते हुए आपको ये क्वेश्चन हल करना है। तो ठीक है देखते हैं, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन कौन सी लगेगी? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी सर्वसमिका नंबर चौथी लगेगी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। तो सर्वसमिका कौन सी लगेगी? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यही वाली लगेगी, इसको चाहे एक बार लिख लेते हैं, चाहे आपको याद है तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये एक्स है ये ए है, ये एक्स है ये बी है, ठीक है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहीं पे इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है? एक्स ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान क्या है? फोर। बी का मान क्या है? टेन। फोर प्लस टेन हो गया इंटू एक्स, और प्लस ए की जगह पे 4 इंटू बी की जगह पे 10, ठीक है। ये सर्वसमिका आपको लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, फिर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यही लिख देंगे। अब देखते हैं इसके बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 10 चार 14 इंटू एक्स 14x प्लस 10 चौके 40, बस यही आपका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हम डायरेक्ट करेंगे सर्वसमिका यूज करने पर, कौन सी सर्वसमिका? ये वाली। तो हम लगा देंगे क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस इधर वाला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हम सर्वसमिका ये पूरी लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे, तो हम डायरेक्ट ये वाला लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है आपकी? ए और बी, ए की जगह पे 8, बी की जगह पे 10। तो ए और बी यानी 8 प्लस 10, एक्स प्लस ए यानी 8 इंटू 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 8 18 एक्स और प्लस 10 8 80, बस आपका यही आंसर हो गया। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80। एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो बाकायदा फिर से ब्लैक पेन से आंसर डाल देंगे, ठीक है। तो सॉरी, इसमें माइनस 10 है ना, माइनस 10 है, तो इसके जगह पर माइनस 10 लिखेंगे। तो 10 में से माइनस 10 है 8, जब 8 इसमें से घट जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? माइनस 2, माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस 2x, और ये भी माइनस है, तो 10 8 माइनस 80। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है। तो अगर माइनस रहेगा तो हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर माइनस में नंबर है तो हम यहाँ माइनस के साथ उसको लिखेंगे, माइनस 10 माइनस 10। अगर माइनस 8 होता तो हम यहाँ पर माइनस 8 भी लिखते। तो माइनस 10 में से जब 8 जुड़ेगा तो वो घट जाएगा, और कितना आएगा? माइनस 2, तो माइनस 2x हो गया, और माइनस 10 इंटू 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 80 आ जाएगा। और सिंबल किसका लगेगा? माइनस प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस
2x और -80 आपका हो गया आंसर, आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया, तीसरे से अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको ट्राई करना है, ट्राई करेंगे तभी आएगा। तो आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। वीडियो को रोक करके खुद से कॉपी में लगाइए। तो ये है क्वेश्चन नंबर तीन, आपने किया होगा, देखिए कहाँ पर गलती हुई। अगर सही है तो आंसर मैच करवाइएगा। चलिए देखते हैं, अब हमें सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन करने का ये है कि हम यहाँ पर सर्वसंख्या लिखेंगे, कौन सी लगा रहे हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जो सर्वसंख्या हम लगा रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर एक्स इस एक्स की जगह पर क्या है, थ्री एक्स, थ्री एक्स, यानी एक्स की जगह पर क्या है, थ्री एक्स, तो हम लिखेंगे थ्री एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स का स्क्वायर हो गया। प्लस ए और बी, ए है 4, बी है -5, बी क्या है, -5 है, गलती मत कीजिएगा, बी है -5। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिख दिए ब्रैकेट के अंदर, बी की जगह क्या लिखेंगे, -5 लिख दिए, एक्स प्लस ए की जगह पे 4 और इंटू बी की जगह पे -5। ठीक है, तो ये 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9x² प्लस प्लस 4 है, -5 है, तो घट जाएगा, कितना आएगा, -1, और -1 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 5 4 20 -20। अब ये 9x² प्लस माइनस ब्रेकेट हटेगा तो -x और -20, हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हमने एक बार माइनस लिख दिया। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, गुणनखंड इसके पहले वाले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं, इन सब का गुणनखंड करेंगे तो इसके पहले जो दिया है वही आएगा। तो ये है आपका तीसरे का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं, 5 होमवर्क दे देंगे, तो चलिए देखते हैं। 4 आप 4 भी ट्राई कर सकते हैं खुद से, लगाइए क्या आएगा, देखते हैं किसका सही होता है, सबसे पहले कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, y² + 3/2 y² - 3/2, ये कुछ जाना पहचाना दूसरी तरह से लग रहा है, कैसे देखते हैं, सर्वसंख्या के पास चलते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसका तो होगा नहीं। अब हमारे पास एक चीज और है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है a² - b², तो अगर हम देखें तो ये इसी टाइप का है, किस टाइप का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो हम सर्वसंख्या लिखेंगे, कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, a² - b² = a + b और a माइनस बी। हमें अगर काम पड़ेगा a प्लस बी ए माइनस बी को इस रूप में लिखना तो इस रूप में लिख दें, अगर कहीं a² - b² लिखा है और हम उसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है y² b क्या है 3/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² - y² a² - b² बी की जगह पे क्या आएगा 3/2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो y² - 2 हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया कि क्या होता है, अगर a की पावर m इंटू n है तो क्या हो जाता है, a की पावर m गुणे n। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2y² - 2 यानी 2 × 2 = 4 माइनस 3 3 * 9 2 2 = 4 आप यही आंसर हो जाएगा, y⁴ - 9/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 छिपाइए, आंसर जिसमें दिया होगा हम वही चीज़ लिख लेंगे, ये भी आंसर हो गया
और जो बता रहे हैं वो भी हो जाएगा। जैसे 4 LCM हो गया, 1 4 जा 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4y की घात 4 माइनस 9, ये भी आंसर में हो सकता है दिया हो। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दोनों आंसर सही हैं, आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे ये वाला लिखें और चाहे ये वाला लिखें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 बेहद आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, आपके पास तो वैसे भी बुक भी होगी, लेकिन हम लिख देते हैं 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप खुद से ट्राई करिए कुछ देर। सबसे पहले तो ये बताइए कौन सी सर्वसमिका लगेगी, कौन सी लगेगी, a+b और a - b बराबर क्या होता है, a²-b², यही वाली लगेगी। हमारे पास a क्या है 3 और b क्या है 2x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 3 की घात 2 यानी 3 3 9, -2 × 4 और x², यानी फाइनली आंसर क्या हो गया, 9 - 4x² हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2.5 का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद आएगा दूसरा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर इसी सर्वसमिकाओं पर आधारित है, सर्वसमिका जरूर याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको 103 में 107 का गुणा करना है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे गुणा करके नहीं, आपको सर्वसमिका से हल करना है। तो कैसे करेंगे, तो 103 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 यानी 100 + 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 7 यानी 100 - 7 लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कैसे है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 103 × 107 को अब यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए 100 + 3 और 100 + 7, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये a+b और x + a और x + b की तरह बन गया। ठीक है, x 100 है, x यहाँ भी, a और b अलग अलग है, तो यहाँ पर समान है x, तो x + a x + b वाला फार्मूला बन गया। तो हमें फार्मूला लिखना भी पड़ेगा, कौन सा लगा रहे हैं, x + a और x + b इक्वल टू क्या होता है, x² + a + bx + ab। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, हमारा x क्या है 100 और a क्या है 3 और b क्या है 7, तो x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है 3 और b की जगह पे 7, 3 + 7 और x की जगह क्या है 100 लिख देंगे, प्लस a × b यानी 3 × 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने केवल x, a और b का मान रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 4 बार यानी 10000, 100 का स्क्वायर 10000 प्लस 7 × 3 = 10, 10 × 100, 10 × 100 करेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस 7 × 3 = 21। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 10000 1000 21। अब इसको ऐड करने में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से हम आपको रफ पेपर पे ही करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बगल में 10000, इधर से लिखेंगे 1000 0001, इधर से लिखेंगे 21, तो 1 2 0 1 1 कितना आ गया, इसको ऐड करके लिखेंगे तो 11021 यानी 11021।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, 11021 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता तो आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी सेम तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 95 × 96, तो 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 − 5, 95 100 से कम है, और 96 100 से 4 कम है, 95 100 से 5 कम था। तो ये अब हमारा क्या बन गया, x − a x − b, या फिर यूं कहें x + a x + b वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, x + a (x + a)(x + b) = x²+ab(x+b). तो यहीं पे इसका प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x²। x क्या है यहाँ पर, 100, x क्या है 100, a क्या है 5, b क्या है 4, a -5 है, माइनस के साथ लिखेंगे, और b -4 है। अगर माइनस रहेगा तो उसका उसकी वैल्यू माइनस के साथ लिखेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x² यानी x² की जगह क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए और बी, प्लस ए भी लिखेंगे, ए क्या है -5 और प्लस बी क्या है -4, इंटू एक्स की अब क्या है 100, एक्स की अब क्या है 100, इंटू फिर प्लस ए इंटू बी है, यानी -5 × -4। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस -5 − 4 क्या हो जाएगा, -9, और -9 को 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -900, -900, और प्लस 5 × 20, माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाता है +20, यानी अब क्या आ गया, 10,000 + 20 में से -900 घटा देना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रफ कार्य करें, 10,000 है, 10,000 में से 900 घटाना है, 900 घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 9 गया 1, 9 यहाँ पे है 9, कितना आ गया 9100, यानी 9100 में से अब 20 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9120, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग खुद से भी ट्राई करिए वीडियो को रोक करके, हम सारे क्वेश्चन तो बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल करते जाइए, क्वेश्चन को ट्राई भी करिए, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। तो तीसरा है 104 × 96, 104 × 96। अब इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या बन रहा है। 100 + 4 है, और यहाँ पर भी 100 − 4 है, तो एक जगह 100 + 4, 100 − 4, यानी कि यहाँ पर कौन सा बन रहा है। अगर हम इसको ए माने, इसको बी, तो क्या बन रहा है, a + b और a − b बन रहा है। तो a + b a − b क्या होता है, a² − b²। तो हमारे पास a² − b² कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक जगह क्या है 100 100 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है 4 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे, करके देख लेते हैं, 16 माइनस हो जाएगा, यहाँ से आया करी 10, 10 में से 4 गया 6 गया 4, 9, 9 में से बन गया 8, यहाँ पर क्या बचा है 9 और 9, कितना आ गया 9984, 9984 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में,
तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीवीआर स्टडी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।